सूखा प्रभावित क्षेत्र में लोगों की प्यास बुझाने के लिए स्पेशल पानी की ट्रेन लातूर पहुंच गई है। महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के सहयोग से ये ट्रेन चलाई गई। पानी से भरे 10 वैगन को लेकर ट्रेन लातूर पहुंच गई है। प्रत्येक टैंकर में 50,000 लीटर पानी भरा हुआ है। गौरतलब है कि सूखे से निपटने और लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और महाराष्ट्र सरकार मिलकर हर संभव कदम उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर की प्यास बुझाने के लिए यह है स्पेशल पानी की ट्रेन, जो महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के सहयोग से लातूर पहुंच गई है। इस ट्रेन में पानी से भरे 10 वैगन मौजूद हैं, जिसके प्रत्येक टैंकर में 50,000 लीटर पानी भरा हुआ है। इन टैंकरों में पीने का पानी भरने से पहले उन्हें राजस्थान के कोटा भेजकर उनकी खास तरीके से सफाई करवाई गई, जिसके बाद इन टैंकरों में महाराष्ट्र के मिराज बांध से पानी भरा गया और फिर शुरू हुआ लातूर पहुंचने का सफर। सूखे से निपटने और लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और महाराष्ट्र सरकार मिलकर हर संभव कदम उठा रहे हैं। देश के करीब 10 राज्यों में सूखे जैसी स्थिति है और इन हालातों से निपटने के लिए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद केंद्र सरकार और ज्यादा हरकत में आ गई है। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड, विदर्भ और मराठवाड़ा में सूखे की स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत 1,304 करोड़ रुपए की राहत देने को मंजूरी दी है। केंद्र ने ये राशि किसानों के खातों में सीधे देने की व्यवस्था की है। बुंदेलखंड में मनरेगा के तहत 100 दिन की जगह अब 150 दिन मजदूरी देने का फैसला किया गया है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि सरकार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सबने बड़ी मेहनत की, राज्य सरकार के अधिकारियों ने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सूखा के संकट का सामना करने के लिए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के अधिकारियों ने काफी मेहनत की। गौरतलब है कि महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र अब तक के सबसे भयंकर सूखे की मार झेल रहा है। इन इलाकों से लोगों के पलायन की खबरें आ रही हैं। इस बीच दिल्ली में कल बीजेपी का किसान सम्मेलन हुआ, जिसमें देश भर से आए किसानों को कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों के हितों में मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने नई फसल बीमा योजना शुरू की है और कृषि के नुकसान की भरपाई के लिए नियमों में बदलाव और अधिक मुआवजा दिए जाने का फैसला भी लिया है। कुल मिलाकर बीते 2 सालों में मॉनसून की बेरुखी झेल रहे किसानों के हितों में केंद्र सरकार हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, जिससे किसानों का नुकसान कम से कम हो। डीडी न्यूज के लिए शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट।